एक तो बात हो गई कौन, ये अर्थ प्रणमन क्रिया भी उससे बंद होता है। अब दूसरी, इस प्रकार अर्थ प्रणमन रूप क्रिया के फल रूप से बंध का समर्थन किया गया। अर्थ क्रिया माने गे अर्थ किया। अब दूसरी अब बात, एक पॉइंट निकल गया कि अकेबली भगवान पर ना ग्रह छोड़े पर्ण में चहुं ओर से संपूर्णता नरवशेष बेसब जानते। ये तो वही लगती है जो अभी अभी पढ़ी है, बनने का था क्यों 52वीं 32वीं है, ये 32वीं गाथा है निकल गई इसमें पीछे। केवली भगवान पर पदार्थों को ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं है और पर रूप परिणमित नहीं होते, वे तो निरवशेष रूप से सब पदार्थों को सब ओर से देखते जानते हैं। बिल्कुल ये भाषा बिल्कुल यही ऊपर अभी 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 की गाथा में भी यही बात है ना। तो यहाँ भी मैंने अपन ने वो समझाए थे प्राप्त विकार और निर्वृत्ति की चर्चा की थी। क्या सिद्धि कैसे होती है, बताओ के लक्ष्य से जो ज्ञान होता है वो उसे उसका होता है छह ज्ञान वाले का, छह ज्ञान वाले का ये देखा फिर ये देखा फिर ये देखा ये लक्ष्य से। और जब केवल ज्ञान होता है ना तो उनको ऐसा नहीं ये देखा नहीं, बस भी अपने में मंगने हैं, अपने आत्मा को देखते हैं, वो सारी दुनिया दिख जाती है। इसलिए ये गे अर्थ प्रणमन है, तो जिनके गे अर्थ प्रणमन है वे राग द्वेष से युक्त होते हैं। गे अर्थ के प्रणमन के कारण राग द्वेष होते ये नहीं बता रहे। वो जो तीन गाथाएं है ना कि जगन अंश बंध का कारण है, क्योंकि ज्ञान का जगन ज्ञान बंध का कारण है। क्या बात करते हो, ज्ञान बंध का कारण है, ज्ञान का जघन्य प्रणमन बंद का कारण है, जघन्य प्रणमन बंद का कारण है कि जब ज्ञान का जघन्य प्रणमन होता है तो उसके साथ राग अवश्य होता है, तो वो राग बंद का कारण है। इसलिए यहाँ उस राग के साथ रहने वाले ज्ञान को भी बंद का कारण कह दिया। याद आया, वो वैसा ही है, ये समझिए ना, ये अर्थ प्रणमन रूप दिया उनका मतलब उससे कोई मतलब गे के लक्ष्य से जो प्रणमन होता है वो राग देश से सहित ही होता है ना। जघन्य प्रणमन ज्ञान का होगा तो वहां मोह राग देश होगा ही, वो जघन्य प्रणमन के कारण मोह राग देश नहीं होता है। लेकिन उसका अभिनव भाव संबंध है ना। उक्त इसी प्रकार प्रवचन सार की 32वीं गाथा में शुद्धात्मा के अर्थ प्रणमन आदि क्रियाओं का अभाव बताया गया है, इसलिए जो आत्मा पर पदार्थ रूप से परिणमित नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता, उन रूप उत्पन्न नहीं होता, उस आत्मा के ज्ञप्ति क्रिया का सद्भाव होने से, माने जानने रूप क्रिया तो होती है, क्रिया फलभूत बंध सिद्ध नहीं होता। अपने ऐसा बोलते ना थे, ज्ञान ज्ञाता ज्ञे और ज्ञप्ति, प्रमाण प्रमाता प्रमेय और प्रमति, तो उसे बोलते प्रमाण प्रमिति माने प्रमाण का फल, वहां ज्ञप्ति माने ज्ञान का फल। मेरे ख्याल से जब मैं ऐसा लगाता था कि ज्ञप्ति माने तो ज्ञान का फल होता है। अब आप समझे ना, ये तो बात वहां वो भाव तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए वो नहीं बैठता होगा, जो भी हुआ होगा समझे ना, नहीं होता है। ये हो गया ना पूरा, मतलब पूरी गाथा की जो टीका है अमरचंद्र की, वो इन दो गाथाओं का कोटेशन देके इनडायरेक्ट वे में ये बता दिया कि जो चर्चा हमने पीछे की थी कि ज्ञान ज्ञप्ति क्रिया से बंध नहीं होता है और गे अर्थ प्रणमन क्रिया से बंध होता है, क्योंकि गे अर्थ प्रणमन रूप क्रिया के साथ में मूल राग द्वेष गारंटी से होते हैं और ज्ञप्ति क्रिया के साथ में मूल रोग राग गारंटी से नहीं होते हैं। ये निष्कर्ष है, मतलब बहुत स्पष्ट हो गया। अब आगे इसमें और समझाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका के समान ही निरूपित करते हुए अंत में सुसंवेदन ज्ञान की प्रेरणा देते हुए लिखते हैं, रागादि रहित ज्ञान बंध का कारण नहीं है ऐसा जानकर रागादि रहित निर्विकार सुसंवेदन ज्ञान की भावना करनी चाहिए।
बस ये तो उपदेश दिया उनने, वो कहते ये बार बार नट्टी हो गया ना, तो रागादि से सहित ज्ञान है वो बंध का कारण है। माने रागादि बंध के कारण है, इसलिए उस ज्ञान को भी बंध का कारण कहते हैं, और रागादि रहित ज्ञान है वो बंध का कारण नहीं है, इसलिए हमको सुसंवेदन ज्ञान का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उससे रागादि रहित ज्ञान पैदा होगा। यानी रागादि रहित ज्ञान है वो अपेक्षाकृत उसकी तरफ मुंह करने वाला है ना। वस्तुतः इस गाथा में संपूर्ण ज्ञानाधिकार में प्रतिपादित विषय वस्तु का ही उपसंहार है, नया प्रमेय कुछ भी नहीं है। संपूर्ण कथन का निष्कर्ष यह है कि केवली भगवान ज्ञान को ही ग्रहण करते हैं, ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं और ज्ञान रूप से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार केवली भगवान के प्राप्त विकार और निवृत्त तीनों कर्म ज्ञान ही हैं, ज्ञान रूप ही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान ही केवली भगवान का कर्म है और ज्ञप्ति ही केवली भगवान की क्रिया है। वो तीनों प्रकार के कर्म और क्रिया सब ज्ञान ही ज्ञान में है। मान केवली भगवान का जो कुछ है वो सब ज्ञान में ही है, कर्ता कर्म के सब सब ज्ञान में ही है, क्रिया भी है ना। ज्ञप्ति क्रिया बंध का कारण नहीं है, अपितु व्यार्थ प्रमाण रूप क्रिया अर्थात वे पदार्थों के सन्मुख वृत्ति होना ही बंध का कारण है। केवल भगवान के ज्ञप्ति क्रिया होने पर भी व्यार्थ प्रमाण रूप क्रिया नहीं है, इस कारण उन्हें बंध नहीं होता। इस प्रकार उक्त गाथा और उसकी टीका में मात्र इतना ही कहा गया है कि वीतराग भाव पूर्वक सहज भाव से होने वाला पर पदार्थों का ज्ञान बंध का कारण नहीं है, क्योंकि स्वपर को जानना तो आत्मा का सहज स्वभाव है, अतः किसी को भी जानना बंध का कारण कैसे हो सकता है। माने उसमें वो जो पर को जानना हुआ ना, वो बंध का कारण नहीं है, पर के लक्ष्य पूर्वक जो पर को जानना हुआ वो बंध का कारण। वस्तुतः बंध का कारण तो राग भाव है, इस कारण ज्ञात प्रमाण रूप क्रिया के कर्ता रागी द्वेषी मोही जीव बंध को प्राप्त होते हैं, किंतु जिन वीतरागी भगवंतों के ज्ञान में वीतराग भाव से सहज जानना होता रहता है उनका वह ज्ञान बंध का कारण नहीं है। यही कारण है कि केवली भगवान को बंध नहीं होता। इस अधिकार के अंत में तत्वदीप का टीका में आचार्य अमरचंद एक महत्वपूर्ण काव्य लिखते हैं, एक कलश है और अंत में एक गाथा है जो जयसेनाचार्य की टीका में है, इसमें नहीं है, और वो गाथा सिर्फ मंगलाचरण की गाथा है। तो अंत में अधिकार के अंत में तो आपने पढ़ा होगा उसने कहा आदौ मध्य बसाने च मंगलम भासितम बुधई, पढ़ा ना, कहाँ का बोल रहा हूँ मैं, तो याद आप परीक्षा प्रमेय रत्नमाला के उसमें ही है। आदव माने शुरू में और मध्य में और अवसान में तीन जगह मंगलाचरण किया जा सकता है, इसका अर्थ ये हो गया कि कहीं भी मंगलाचरण किया जा सकता और इसका भरपूर लाभ परम परमलधारी देव ने जो उनकी टीका है नियम सार की उठाई, कहीं नहीं वो बिल्कुल बीच में कुछ नहीं मतलब है, बस नैमिनार भगवान को नमस्कार ऐसे फला नहीं। आपको कैसे तीन ही जगह तो बताया ना, आदि में और अंत में और मध्य में, ज्यादा कहाँ बताया। तो मध्य माने क्या, मध्य तो पूरा ही हो गया ना, समझ में नहीं आई। आप कह दो आदि में अंत में और मध्य में तीन जगह हुए ना, बाकी जगह बची रही ना, वो कहते आदि में अंत में और ये मध्य, पूरे ही मध्य तो पूरे ही है ना इन दो का। मैंने कभी भी मंगलाचरण हो सकता है। अधिकांश आचार्य
जिस चैत्यालय में बैठकर वे टीका लिखते थे, घरों में तो लिखने का काम बहुत कम होता था, ऐसे घर भी नहीं थे, उतनी पवित्रता भी नहीं रहती थी, वो सास उतना सुरक्षित नहीं रहते थे, घर में बच्चे बच्चे बहुत होते थे तो वो गड़बड़ करते थे, तो मंदिर में जाके बैठ के कोई कमरा होता था वहां पर बैठ कर के लिखते थे ये सारे काम। तो वहां पर वो फला चैत्यालय में जो मूल नेमिनाथ भगवान विराजमान है, तो नेमिनाथ भगवान की बार बार स्तुति करते हैं, चंद्रप्रभु विराजमान है तो चंद्रप्रभु की, पद्म विराजमान है तो पद्म प्रभु की। अब लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि बीच में एकदम चंद्रप्रभु कहाँ से आ गए, माने इसका कोई उसका कान दिखना चाहिए, तो उसमें आदि आप ही देखेंगे तो उसमें ऐसा कान मिलता है। ये कलश अपन कल पढ़ेंगे फिर, प्रवचन सार अनुशीलन है ना, इसका पृष्ठ नंबर 244 निकालो। जिस सिद्धांत को अपन को समझने में बहुत कठिनाई होती है, हो रही थी, उसको वृंदावन दास जी ने 3 दोहों में बहुत अच्छी तरह बांधा है। 3 दोहे हैं, पढ़ो इन 3 दोहों को। सरल भाषा में वो बात जिसकी अपन 3 दिन से चर्चा कर रहे थे, वो उन्होंने 3 दोहों में समेट दी है। क्रिया दो या विधि भर नहीं, क्रिया 2 प्रकार की कही गई है। प्रथम विज्ञप्ति जान, प्रथम तो प्रज्ञप्ति नाम की क्रिया, और दूसरी गेया रथ परिवर्तनी क्रिया, दूरी क्रिया बखान सीधा है। अमल ज्ञान दर्पण विषय गे सकल झलकंत, जिनके छाये ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उनका ज्ञान रूपी दर्पण पूरी तरह से निर्मल है, अब उसमें सारे गे झलकते हैं, उस क्रिया को प्रज्ञप्ति नाम की क्रिया कहते हैं और उसके साथ बंध नहीं होता। और हम तुमको मोहराग देश नहीं होता, इसलिए भी बंध नहीं होता। और गे परा गे या रथ परिवर्तनी, गे पदार्थों को परिवर्तन करने वाली जो दूसरी क्रिया है, उसके रागा अधिक विद्युत होए, वो रागा अधिक जिनके होते हैं उनके होती है, और इसलिए जैसा यहाँ विकार होता है वहां वैसा बंध होता है। वस्तुतः बंध तो मोह राग द्वेष से ही हो रहा है, ये मोटा सिद्धांत है और कोई बंध के कारण नहीं है। खासकर हम मोह राग द्वेष के साथ में जो ज्ञानावरणी आदि कर्म हैं, जिनके मोह कर्म के उदय से ज्ञान होते हैं ना, वो उनमें उनका कर्म उदय है, तो कहते हैं कि उनको हम बंध का कारण मानते हैं, तो 8 ही कर्मों के उदय को बंध का कारण मानते हैं, फिर 9 कर्म को बंध का कारण मानते हैं, फिर जो शरीर आदि की क्रियाएं होती हैं उन्हें हम बंध का कारण मानते हैं, है ना, और 50वां प्रकार की जो चीजें हैं, हर बात में पाप लग जाएगा, पाप बंद होगा, पुण्य बंद होगा, पाप बंद होगा, पुण्य बंद होगा, एक मोटा सिद्धांत है
मोह राग देश के बिना कहीं भी बंध नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता। और मोह माने दर्शन मोह है, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व के कारण, दर्शन मोह के कारण जो वो 41 प्रकृतियों का बंध होता है, और वो यदि चला जाता है दर्शन मोह, तो उसके बाद में इन 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और बाकी की जो प्रकृतियों का बंध होता है, बंधने योग जो 120 प्रकृतियां है ना, उनमें जो भी हिसाब है, पहले गुणस्थान में इतनी, दूसरे में इतनी, वो उनका बंध होता है। एक स्टाइल ये भी है अध्यात्म में कि जो मिथ्यात्व की वजह से जो 41 प्रकृतियां बनती हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, और बाकी की जो प्रकृतियां उनकी खास कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि तो बहुत सी तो अघातिया कर्मों की हैं, तो उनका तो बस हल्के संयोग मिल गया और कोई फल ज्यादा होता ही नहीं है। इनमें नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रंज गति, त्रंज गत्यानुपूर्वी, साधारण, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, विकलत, ये सब ऐसी प्रकृतियां होती हैं जो बहुत हल्के स्तर की हैं, जो अनंत संसार का कारण बनती हैं। इसलिए ये बंधना बंद हो गई तो समझ लो संसार कट गया, वो बाकी का संसार आप कुछ नहीं कहेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। अब एक तो ये 41, और 41 के बाद में यदि हम और समेटें तो कहेंगे हम चार अनंतान बंदी और एक मिथ्या, चार त्रिमोह की चार अनंतान बंदी और एक मिथ्या, ये पांच प्रकृतियां ऐसी हैं कि इनसे ही सब कुछ बंद होता है जो अनंत संसार का कारण है। क्या हम शुद्ध नहीं ना कहना, जो भी कुछ कहना हो यहाँ आगे तो क्या है, कुछ विशेष बात कहनी हो तो हम जो कह रहे हैं सुनो। देखो क्या तो वो जो प्रकृतियां हैं, अब उसमें भी फिर एक अकेला मिथ्यात्व, क्योंकि वो तो मिथ्यात्व के साथ नियम से बनती हैं और होती हैं, इतनी सी बात है, इनका साथ कभी नहीं छूटता। सिर्फ एक समय ऐसा है कि जब इनका साथ छूटता है तो मालूम पड़ता है कि ये अलग अलग थी, जैसे कि जब जीव सम्मादर्शन से गिरकर वो मिथ्यात्व की भूमिका में आता है तो बीच में जो दूसरा गुणस्थान होता है जिसे सादा सम्मत कहते हैं, तब अनंतान बंदी का उदय हो जाता है और मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। इसलिए मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ तो मिथ्या दृष्टि तो हुआ नहीं और सम्यक रूपी पर्वत से गिर गया, वो स्थिति ऐसी होती है। इसलिए उसका नाम ही है सासाधन सम्यक, छूट गया है सम्यक दर्शन जिसका, ऐसा नाम दिया। मिथ्यात्व तो हो गया ये नहीं कह रहे, मिथ्या दृष्टि हो गया ये नहीं कह रहे हैं, छूट गया है सम्यक दर्शन का, तो वो बहुत कम काल होता है। जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे गिरे तो कितना काल होगा, इतना सा उनका वियोग का काल, तो वो तो अकेला मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी आई जाती है तो वो प्रकृतियां। फिर हम जितना हमारे जो नौ कर्म की क्रियाएं हैं सभी सारी नित्य, उन सबको ही हम बंध का कारण मानते हैं। आचार्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समय साल में खुलासा किया है कि ये तो उनका निषेध शास्त्र में किया है ना बार बार, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तो इसलिए किया कि वे क्या है, इसमें एक शब्द है बहुत अच्छा, स्थान है, आयतन है, हाँ, तो जो है ना इसकी वजह से उनका त्याग कराया है। अब जब हम उस क्रिया के करते ही नहीं है, जब अध्यात्म ये कहता है तो उसको छोड़ो, तुम छोड़ने की क्रिया के कर्ता कैसे हो सकते। अब वो बहुत अटपटा लगता है क्योंकि वो हमारा इतने संस्कार में पड़ गया है कि
हम लोगों को तो बर्दाश्त भी हो जाता है, लेकिन जिनने अध्यात्म सुना नहीं है बिल्कुल, उन्हें तो बर्दाश्त भी नहीं हो। वो ये कहते हैं ये शरीर हमने जो किया, खाना चला, उपवास किया, ये नहीं करेंगे हम, ये नहीं करेंगे हम, बाल नहीं बनाएंगे हम, ये करेंगे हम, अष्टमी को बाल, ये सारी क्रियाएं तू कुछ इनका करता ही नहीं है, तूने बना ही नहीं बात, इनसे कोई बंद होता ही नहीं है, और तू समझता है धर्मात्मा हो गया। ना उसे धर्मात्मा होता है ना उसे, अभी उसके पीछे पड़ने से क्या लेना देना है, नुकसान का है। नुकसान ये है कि हम उसी में लगे रहते, जिससे कुछ होना नहीं है, हम बस वही सो ऐसा उसी से लगे रहते हैं और अंदर से मानते रहते हैं इसमें धर्मात्मा हो गया, ऐसे धर्मात्मा नहीं रहा, धर्मात्मा है जी नहीं। दूसरों की पहचान भी उसी से करते हैं और हम अपनी पहचान भी उसी से करते हैं। मूल जो एक एक कह रहा है ना जो बात, ये मुद्दे की बात हमारे ध्यान में नहीं आती है। इसका असली फल यही है। अब रहेगा क्रिया तो सब होगी ही, जैसे कि अपन ने कह दिया एक दिन दूसरे दिन को मारता नहीं है, कोई मार जला नहीं सकता है, जो गाथाएं पढ़ते हैं ना बंदाधिकार की अपन, तो उसके बाद में जिन लोगों ने वो गाथाएं पढ़ ली उनके जीवन में से करुणा निकल गई क्या, दया निकल गई क्या? हम और आप में से कोई भी एक आदमी चीटा चिंता चल रहा है उसे हम मार सकते हैं? हैं? नहीं मार सकते ना? तो हमारी कहां, हमारे में कहां स्वच्छंदता आई है जो हमें डर लगता है? अब वो तो जाने दो, उसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन मच्छर ने तो हमें काटा है। अभी अभी हमारे सामने खून निकला और सूख गया और चनमनी हो रही है और बुखार हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, ये हम सब जानते हैं। फिर भी हम इतने सब यहाँ बैठे हैं, किसी एक से कहो कि ये एक मच्छर है अब तुम इसे मार दिया, इनडायरेक्ट जो है वो लगा दें और वो उसमें कोई मर जाए और दवाई छिड़क गए उसमें कुछ लग गया, हमने इंतजाम किया, मच्छरदानी लगा दी, ऊपर से पंखा चला दिया, वो पंखे में पूरी तरह से गिरा, मच्छरदानी में फंस गया और फिर वहीं खत्म हो गया। तो इनडायरेक्ट वे में मरते हैं, लेकिन फिर भी एक मच्छर को तुम ये मार नहीं सकते। हमें को अपने की खुद की भी ये पता नहीं है कि हम कितने, मतलब दया भाव हमारे हृदय में कितनी गहराई से बैठा है इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे एक उदाहरण याद आता है कि हम बम्बई में थे और ये लोग बोरीवली में रहते थे, तो उस वक्त हम मकान, दूसरा मकान खरीदना था, उसके लिए मकान देखने जाते थे, दलाल लोग कह रखा था, तो वो दलाल कोई मकान आता था तो दिखाता था। एक श्वेतांबर जैन दलाल था और हम उसके पास गए थे, वो बता रहा था यहाँ मकान है वहाँ मकान है, तो ऐसे करते करते ही टेबल पे हम बैठे थे, वो सामने वो बैठा था, एक कीड़ा टेबल पे आया और उसने अपने हाथ से वही मार दिया, उसी वक्त मार दिया। मुझे इतना गुस्सा आया, मेरे तुम जैन है, सबने वो जैन कहता है, तुमने इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब वो तो कहे कि उसकी बात करो मकान की, मैं तो कहा नहीं, इससे इसकी दलाली में भी मकान हमें नहीं लेना, चार्ज इतना बढ़िया बताए, तो हम उठ के चले आए। मतलब उससे अंदर में ऐसा ग्लानी भाव बना रहा, तो मुझको भी पता नहीं था कि मैं इतना इसके प्रति सेंसिटिव हूं। मैं तो यही समझता था कि अपन तो बेहो गए कि एक दूसरे को मार ही नहीं सकता और आयु कर्म के समाप्त हुए बिना तो कोई मरता ही नहीं है, कुछ कीड़े का भी आयु कर्म समाप्त हो गया होगा, पर निमित्त ऐसा ही होना होगा, अपन तो इस सिद्धांत के हो गए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं अभी आपको कि वो सिद्धांत के पक्के हो जाने के बाद भी हमारे जीवन में निर्दयपना आ जाएगा, ये संभव नहीं है, इसलिए हमारा व्यवहार विकृत हो जाएगा, इससे घबरा कर उस सिद्धांत की अस्वीकृति नहीं करना।
उस सिद्धांत के प्रचार को नहीं रोकना। मतलब मैंने क्यों ये बात सुना, इसलिए सुनाई कि वो सिद्धांत हमारे दिल में बहुत पक्का है, फिर भी हमारा जीवन जितना शुद्ध सात्विक है अपेक्षाकृत बहुत लोगों का नहीं है। और जिनका है तो वो क्रियाकांड में है। क्रियाकांड का मतलब ये है कि उसको वे साक्षात धर्म मान रहे हैं और उससे ही उनका कल्याण हो जाएगा ऐसा वो मान रहे हैं, ऐसी मान्यता पूर्वक है। तो वो सहज कहाँ हुआ? हमको ये डर लग रहा कि एक कीड़ा जो मर गया ना तो इसकी वजह से मैं नरक जाऊंगा, तो नरक के भय से हम उसे नहीं मार रहे, वो अलग बात है। और हमको है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है नरक सुरक का, फिर भी हम नहीं मार रहे। ये हमारा नेचुरल दया भाव अंदर का है। फिर आपके वो तो बंद का कारण है, उसे तो कोई मोक्ष होने वाला नहीं है, यहाँ है ना। फिर भी जिस भूमिका में जैसा राग आता है, गुरुदेव की भाषा में बात करें तो कह सकते हैं कि ऐसा राग आए बिना रहेगा नहीं। तो कोई उसमें लिखा है कि वो यद्यपि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी बंद नहीं होता तो भी हिंसाय तन निवृत्ति तदापि कार्य, ऐसे कहते ना, हिंसाय तन के निवृत्ति को करना चाहिए तो भी हम जो उपदेश देते हैं कि इन जीवों का घात नहीं हो ऐसा उपदेश देना चाहिए। तो क्रिया का क्यों दो? क्रिया से तो कुछ होता ही नहीं, भाव से होता है। तो वो कहते हैं वो क्रिया का और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, होता भाव से है और क्रिया मत करो ऐसा उपदेश दिया जाता है। वे कहते हैं उसका उद्देश्य यही है कि तुम ऐसा भाव मत करो। तो ऐसा भाव नहीं करें तो मार तो सकते हैं ना, अगला भाव नहीं करें। वो कहते बिना भाव के मार दे नहीं, मार कर ही सकते। तुझे जो मार सकते हैं वाला तेरे दिमाग में भाव आ रहा है यही उल्टा भाव है। माने इस बात को समझना बहुत आसान भी है और स्वीकार करना कठिन है। वो कह रहे हैं कि इससे जो तुम्हारा घात हुआ ना उस जीव का, अभी तो उसने ऐसा ही मारा था, लेकिन वो गोली मार दे तो वो गोली लगी और वो मर गया उससे, तो भी अपना धर्म कहता है कि उसके कारण तुझे रंज मात्र भी बंध नहीं होता। अब क्या किया? तो बंध नहीं होगा हमें, यानी बंध तो होगा लेकिन बंधेगा तो वो उस तेरे राग के कारण, के मिथ्या मान्यता के कारण, उस क्रिया के कारण नहीं होगा। और उपदेश उस क्रिया छोड़ने का कहा जाएगा। अब इतना ये बैलेंस आपके दिमाग में आपको बना के रखना होगा, और अकेले बना के ही नहीं रखना होगा, ये सारे जगत को भी समझाना होगा, क्योंकि फैक्ट तो यही है ना। यदि वो उस क्रिया को बंद का कारण मान लेगा तो एक दिन दूसरे दिन का करता नहीं है, ये सिद्धांत से वो भटक गया। जड़ की क्रिया के सुधरने से चेतन का कल्याण हो जाएगा और बिगड़ने से अकल्याण हो जाएगा, वो बिगड़ गया है। और उसके जीवन में उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी इतना बड़ा जोर है, निमित्त को कर्ता मानना जितना बड़ा अपराध है, वो निमित्त की स्वीकृति से कितना बड़ा उपदेश जनवाणी में दिया गया है।